हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन सो वेलकम टू द हिंदी क्लास एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन हिंदी व्यंजन ट व्हाट इज दिस ट अब हम पढ़ेंगे ट से संबंधित चित्र अच्छा बच्चों ये बताओ ये पौधों पर क्या लगे हुए हैं टमाटर जब हम टमाटर बोल रहे हैं टमाटर तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है ट है ना ट निकल रहा है ना जब हम टमाटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब टमाटर किससे शुरू हुआ ट से तो ट से टमाटर और अब ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है ये टमाटर तोड़ रहा है और इसने ये क्या पहना हुआ है टोपी क्या पहना है टोपी और जब हम टोपी बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से कौन सा अक्षर निकल रहा है देखो बोलकर देखेंगे सब टोपी टू पी तो टर बोला ना हमने सबसे पहले तो इसका मतलब टोपी किससे शुरू होता है ट से और अब यहाँ देखो ये एक पेड़ है और ये पेड़ ये पूरा पेड़ है ये पेड़ का तना है हमने देखा था ना कल त से तना और ये क्या है इसकी टहनी इस पेड़ की टहनी आपको मालूम है पेड़ का तना सिर्फ एक होता है और टहनिया बहुत सारी होती हैं है ना तो ट से टहनी जब हम टहनी बोल रहे हैं तो किस क्या निकल रहा है सबसे पहले हमारे मुंह से ट तो इसका मतलब टहनी किससे शुरू हुआ ट से ट से टहनी अच्छा अब ये बताओ मुझे कि ये टमाटर किसमें रखे हुए हैं बास्केट में राइट और बास्केट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं टोकरी बास्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं टोकरी और जब हम टोकरी बोल रहे हैं ट ओकरी टोकरी तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकला ट तो इसका मतलब टोकरी किससे शुरू हो रही है ट तो से अब ये देखो ये क्या लगे हुए यहां पर यहां पर भी एक सब्जी लगी हुई है ना तो इसे बोलते हैं टिंडा क्या बोलते हैं टिंडा और टिंडा किससे शुरू होता है ट से ट इंडा टिंडा है ना अब इसी से संबंधित और शब्द हम देखते हैं कि क्या बनता है टोकरी टोपी ट्रक और जब हम ट्रक बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है हमारे मुंह से सबसे पहले ट तो इसका मतलब ट्रक किससे शुरू हुआ ट से अब ये देखो टमाटर टब टोली टोली मीन्स ग्रुप जब आप कहीं पर खेलने जाते हो ग्रुप में खेलते हो ना तो इसका मतलब वो किस क्या है आप लोगों की बच्चों की टोली टम 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 क्या होता है यातायात का साधन एक ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है जिसको घोड़ा पक जिसे घोड़ा खींचता है टम को टहल टहलना मीन्स घूमना टहनी टीका आप कहीं पर मंदिर में जाते हो तो पंडित जी आपको टीका लगाते हैं ना तो वही टीका टेंडा टेलीफोन ये देखो मैम दिखाएंगी आपको अभी इसके फोटोज ये क्या है टेलीफोन टिंडा टब टब और ये टोपी है ना टोपी और ये बीच में क्या है टोकरी चलो अब हम सीखेंगे कि ट कैसे लिखते हैं पहले हम देखेंगे सबसे पहले इसकी ट्रेसिंग करेंगे हम सबसे पहले फिंगर से नाउ मेक स्लीपिंग लाइन Small standing line and curve like this. Okay? Again, sleeping line, small standing line and make a curve. So, what is this? T. And now we will do tracing. First, we will make small standing line, make a curve, touch the blue line and go up. And last.

Without dots, small standing line. Look, small standing line. ठीक है और पेंसिल उठानी नहीं है मैंने पेंसिल इसलिए उठाई है ताकि आपको दिखाई दे सके और अब यहीं से हम इसको टर्न करके ऐसे कर्व बनाएंगे। ब्लू लाइन को टच करेंगे और थोड़ा सा ब्लू लाइन के ऊपर ऐसे ये क्या बन गया ठीक है क्या बना ट एक और बार बताती हूँ मैं स्मॉल स्टैंडिंग लाइन छोटी सी लाइन बनाएंगे हुँ? और उसके बाद यहाँ से ये देखो इधर से ही ऐसे घुमा के कर्व ब्लू लाइन को टच करेंगे और ऊपर जाएंगे ऐसे और लास्ट में हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन ओके तो ये क्या बन गया ट, ट से टमाटर से टमाटर और मुझे लगता है आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बच्चों ये मैं ये सारा काम आप अब अपनी नोटबुक्स में करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे बाय